प्रदेश भर में पुलिस द्वारा मास्क ना लगाने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए 2 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस द्वारा जो भी बगैर मास्क दिखेगा उसे मास्क दिया जाएगा और उसे मास्क के फायदे बताए जाएंगे। वहीं पुलिस अभी तक सैकड़ों लोगों के मास्क न लगाने पर चालान काट चुकी है। लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग मास्क नहीं पहनते, जिस कारण बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटने की शुरुआत करीब 3 महीने पहले हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि पुलिस हर महीने 1000 से ज्यादा अधिक चालान काट रही है। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना अदा करना होता है। पुलिस के अलावा नगर परिषद के द्वारा भी चालान काटे जाते हैं। SHO विजय कुमार ने बताया कि पुलिस ये अभियान 2 दिन तक चलाएगी और उसके बाद फिर से बिना मास्क पहने लोगों के चालान काटने शुरू होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सरकारी निर्देशों की पालना करते हुए मास्क पहनकर ही घर से निकलें। उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करना है, इसलिए वह आज खुद बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क बांट रहे हैं। ये एक हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से एक अभियान है ये। भाई जितने लोग मास्क वितरित कर रहे हैं उनको ये भी हिदायत कर रहे हैं, भाई आप इस महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना भी जरूरी है। जिसके पास मास्क नहीं है हमें उसको भी हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है कि उसको मास्क प्रोवाइड कराएं, जिससे वो भी इस संक्रमण से बचा जा सके और दूसरे भी इससे बचे रहें। इसलिए मास्क जो है ना बहुत ज़रूरी है, हम सबको मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं जो भी नियम, और उनको सलाह भी दे रहे हैं भाई आप इसके मास्क पहन कर। ये जो मास्क नहीं पहने उनका हम हरियाणा सरकार द्वारा 500 रुपये का जो फाइन है वो किया भी गया, उसमें हमारे बहुत से हमने उनके चालान किए भी हैं और किए भी जा रहे हैं, लेकिन हमने बीच में ये अभियान चलाया तो इनको एक बार जागरूक भी किया जाए लोगों के साथ साथ। फाइन से ही काम नहीं चलता, लोगों को जागरूक करना भी हमारी जिम्मेवारी है, जो हम अब इसलिए जागरूक इनको कर रहे हैं भाई मास्क पहनना जरूरी है, जो हम मास्क वितरित भी कर रहे हैं साथ।